नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फोकस इस 80 रेडियो यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए मैथ के 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके RRB, रेलवे, TPC, ग्रुप डी या आपके बैंक या पुलिस SSC ऐसे एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं मैथ के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जिनको हम ट्रिक्स एवं आसानी से आपको हल करना सिखाएंगे, जो हमारे कमजोर स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आ जाता है आसानी से। आप हमारे रीजनिंग और मैथ के पूरे एग्जाम से पहले प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख लीजिए। चलिए आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपके SSC 10+2 में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप खुद से कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके हल करने की, उसके बाद आप वीडियो को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, ठीक है। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय मतलब जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात क्या है? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए दोबारा, ताकि समझ में आ जाए। टॉम और जेरी दो लोग हैं, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, ठीक है। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है, जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात क्या है, ठीक है। इसमें आप टॉम और जेरी की चाल का अनुपात ज्ञात करना। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग डरिए मत, इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आप लोग आसानी से देखिए। देखिए टॉम है, ठीक है, क्या बोला है, टॉम का 8 गुना, ठीक है। टॉम का जो है आपका कितना है, 8, ठीक है। ये टॉम का हो गया, ये आपका टॉम का इधर एक साइड कर लीजिए, ठीक है। और एक क्या है टॉम का, आपका क्या है, 7 है, कितना है, 7 है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, जेरी है, ठीक है। जेरी का जे से लिख दीजिए, जेरी का कितना है आपका, 6 है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जेरी का कितना है आपका, 5 है, ठीक है। जेरी का कितना है, जेरी का कितना है, 5 है। देखिए ये का मतलब गुणा होता है, अब आपको क्या करना है, देखिए टॉम गुणे 8 करना है, ठीक है। आपका टॉम गुणे 7 करना है, बराबर किसके करना है, जो आपका जेरी गुणे 6 करना है, और आपका जो है जेरी गुणे कितना करना है, 9 करना है, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा करिए, देखिए आपका जो है ये जो है आपका जेरी से जेरी ये कट जाएगा, इससे आप मानने के लिए लिए हैं, गुणा करिए आप इसको, तीजिए गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये 5 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 5 है, ये कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5 करेंगे तो 8 45 हो जाएगा, आपका रेशियो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7 है, ये 6 7 6 42 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको काटिए, 2 से काटिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 1, आपका 20 अनुपात 21 है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, टॉम का आपका जो था टॉम का एक तरफ कर लेना था, ठीक है। आपका जितने भी टॉम का था जो संख्याएं थी टॉम के ऊपर बोली गई थी तो एक तरफ कर लेते, और जेरी का जो है आपका एक तरफ कर लेते, ठीक है। बस आप उसको तीन गुणा करके आप टॉम और जेरी का रेशियो निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका RRB 2012-13 ग्रुप डी और जो है आपका TC एग्जाम जो हुआ था रेलवे का, ये उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सोच लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके मैथ के ये देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने कितने अच्छे तरीके से बताया है, इसलिए ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अभी मैं बताता हूँ ये किस में इसमें कौन सी ट्रिक लगती है, आपको कोई भी XY मानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। मतलब 40% मत मिले तो वह 100 मतलब 100 मतों से हार जाता है, तो मतों की कुल संख्या कितनी है। देखिए टोटल मत कितने होते हैं आपका, 100 होते हैं, ठीक है। टोटल मत जब भी परसेंट की बात होती है तो कितने मत होते हैं, टोटल 100 होते हैं, तो इसको कितना मिला, एक 40% मिला, कितना मिला आपको, ये एक को मिला आपका 40%, ठीक है। कितना मिला, 40%, तो एक को 40 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, क्योंकि जब भी परसेंट की बात होती है 100 का, और 100 मतों से हार जाता है। देखिए
हार मैं क्या बताता है आप लोगों को अपनी पिछले वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जहाँ भी आपको दिखे जीत हार ठीक है, पास फेल ठीक है, देरी और पहले, कम और अधिक ठीक है, दूरी और नज़दीक, मतलब ये सब चीज़ें जहाँ दिखे जीत हार पास फेल कम अधिक देरी पहले, वहाँ पर हमेशा डिफरेंट यूज होता है। क्या यूज होता है वहाँ पर? हमेशा डिफरेंट यूज होता है, मतलब वहाँ अंतर को दर्शाता है। तो आपका ये अंतर कितना दिया? 100। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 60 और 40 के बीच कितने का अंतर आया? 20 का, 20% का अंतर आया। कितने के बराबर है आपका? 100 का ठीक है। तो 1% का अंतर कितना हो जाएगा आपका? 1% का अंतर हो जाएगा आपका 100 बेटा, कितना हो जाएगा? 20। आप काटिए ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5 हो जाएगा। तो आपका 100 का कितना हो जाएगा? 100 का अंतर आपका हो जाएगा ये 5 × 100, कितना हो जाएगा आपका? ये 500 ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब वो जो कुल मतों की संख्या थी कितनी थी? 100 थी। देखिए इस चीज़ को, कंसेप्ट को आप याद रखिए, मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आप ये शब्द दिखे क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले, वहाँ हमेशा क्या होता है? अंतर को दर्शाता है ठीक है। अब आप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक फार्मूला है, गणित में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं इस फार्मूले को ठीक है। जहाँ भी ये चीज़ें दिखेगा वहाँ हमेशा दो संख्याओं में डिफरेंट को दर्शाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की अनुपात क्या है? ये आपका RRB असम MG जो है GS आपका TA 2012 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। और हमने जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर आपको करा रहे हैं SSC या रेलवे या ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप प्ले लिस्ट में एग्जाम से पहले जरूर सारे वीडियो देख के जाइएगा, आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए क्वेश्चन को, जितना छोटा क्वेश्चन रहता है आप लोग उतनी जल्दी गलती करते हैं, क्योंकि कहते हैं क्वेश्चन आ रहा है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को सही से पढ़ते भी नहीं। अगर आप क्वेश्चन के मैथ क्वेश्चन को सही से पढ़ें तो उसका आंसर जो है, उसका सोल्यूशन उसी में छिपा रहता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार। एक विद्यालय में लड़कों का 10% ठीक है, लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? ठीक है, हमको ना पता लड़कों की संख्या ना पता लड़कियों की संख्या, तो ठीक है हम मान लेते हैं जो आपका बॉय है, मतलब बॉय का कितना है? बॉय का 10%, बॉय का कितना है? 10% ठीक है, बॉय का 10%, 10% जब हटेगा नीचे 100 आ जाएगा ठीक है। बॉय का 10% लड़कियों के 1/4 के बराबर है, तो जो गर्ल हैं उनका 1/4 के क्या है? बराबर है ठीक है। अब आपका देखिए बन गया है ठीक है। आप समझिएगा जो है, जब भी परसेंट की बात होती है, अगर परसेंट किसी सभी संख्या में लगा है तो परसेंट हटेगा तो नीचे कितना हो जाता है आपका? 100 हो जाता है। अगर लिखा है 5% तो ये 5% हटेगा, नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ठीक है। क्या बोला था? एक विद्यालय में लड़कों का कितना? 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। अब इसको हल करिए आप लोग, 0 से 1 0 कट जाएगा ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? B/10 बराबर कितना हो जाएगा? G/4। अब काटिए इसको, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10 और कितना? 2 × 2 = 4। ये इधर जाए, देखिए आप समझे तो इसका अनुपात आ गया है। कैसे आ गया? तो मैंने बताया था, देखिए B/5 कितना आ गया? 5 ठीक है, बराबर G/5 कितना आ गया? 2। तो मैंने बताया था जिस भी संख्या के नीचे जो संख्या होती है उसका रेशियो वही होता है, मतलब बी का रेशियो 5 होगा और जी का रेशियो 2 होगा। आपका कितना आएगा? ऑप्शन बी है, 5:2 आएगा। आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं ऐसे करके ठीक है। आप इसको करिएगा, कितना हो जाएगा? 2B हो जाएगा, ये अपन बराबर जाएगा 5G हो जाएगा, तो ये आपका बी अपन जो आपका जी है इधर चला आएगा और आपका जो है 2 उधर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? B/G हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? 5/2 हो जाएगा ठीक है। आप नहीं तो आपको जितना मैंने बताया था, जब भी अगर बटे के फार्म में संख्या है या A/3 है B/3 है तो वो हमेशा क्या होता है? उसी का ही रेशियो होता है ठीक है। मतलब बी का रेशियो 5 होगा, जी का रेशियो 2। अगर आपका लिखा है C/3 बराबर आपका लिखा है K/4, तो C/3 ये हो जाएगा आपका आंसर 3:4, क्योंकि जिसके बटा में जो रहता है उसका वही मान होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए इस टाइप के मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया वो समझ में आएगा। अभी देखिए इसको मैंने कैसे आपको सेकेंडो में हल करना सिखाऊंगा बिना एक्स मानने ठीक है।
जिन्होंने, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिन्होंने अगर मेरा प्लीज अगर नहीं देखा है मेरे सारे वीडियोज, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। मैंने जब भी बताया है, जहाँ भी अगर आपका एज वाले क्वेश्चन दिखें, आपके आयु वाले क्वेश्चन दिखे, वहाँ आपको क्या करना है, कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें पहले ध्यान से। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में मतलब 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2.5 गुना मतलब अगर इसको 4 2 4 5/2 गुना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब आप क्वेश्चन को समझिए। मैंने बताया था इसमें एक ही ट्रिक लगती है, काम आपका इसमें एक ही ट्रिक लगती है, वो थ्रू ऑप्शन क्या रहता है इसका, ऑप्शन की मदद से ही आप जितने भी एज के क्वेश्चन होते हैं आप हल कर सकते हैं, आप आसानी से सेकंडों में। देखिए ऑप्शन का मदद क्या है, जिसकी आयु पूछे, किसकी आयु पूछे, पिता की आयु पूछे, तो आपको उसी को विकल्प में उसी को मानना है। पिता की आयु पूछा तो आप मान लीजिए पिता की आयु कितना है 45 वर्ष है। ठीक है, आपके जो ये पिता हैं इनकी आयु कितनी है 45 वर्ष है। ठीक है, पिता 45 वर्ष हो गए। आप क्वेश्चन को शुरू से पढ़िए। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना है, ये अपने पुत्र से 5 गुना है, तो उसका पुत्र कितना होगा कि इसका 5 गुना होगा, कितना करिए कि इसका 5 गुना हो जाए, मतलब कितना पुत्र की आयु को रखिए कि उसका पिता जो उससे 5 गुना हो जाए। आप यहाँ इसको 9 रखिए, तभी तो 9 का 5 गुना करेंगे, तभी तो ये आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये 5 गुना बोला है। ठीक है, तो आप ये पुत्र जब 9 होगा तो ठीक है, तो पिता कितना होगा आपका जो है 45 होगा, क्योंकि उसका 5 गुना है। ठीक है, आप क्या बोला 15 वर्ष बाद, आप 15 इसमें प्लस करिए, 15 इसमें प्लस करिए कितना हो जाएगा, आप इसमें अगर 15 प्लस करेंगे कितना होगा 5 5 10 0 1 4 1 5 1 60। ठीक है, अब इसमें भी आप 15 प्लस करिए, 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14 4। ठीक है, आपका 1 1 2 24 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना है, ये मतलब जो पिता है अपने पुत्र से 15 वर्ष बाद 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना कैसे चेक करेंगे, इसका 2.5 गुना करिए, 2.5 गुना मतलब पहले 2 गुना उसके बाद आधा। देखिए आप इसका पहले 2.5 गुना करिए 24 का 2.5 गुना कितना होगा, पहले उसका 2 गुना निकालिए, 24 का 2 गुना निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 4 8 2 2 4 48 हो जाएगा। अब 24 का आधा निकालिए, 24 का आधा निकालेंगे कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए 2 1 2। ठीक है, 2 2 4 मतलब 2 2 4 हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया 12। मतलब ये 24 का आप 2.5 गुना निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आप 24 का 2.5 गुना निकालिए, तो देखिए क्या इसका 2.5 गुना है, 24 का 2.5 गुना करिए, 24 का आपको 2.5 गुना निकालना है, 2 सही 1/2 गुना निकालना है। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 4 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5/2 लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखना है, आप चाहें तो 2.5 गुना निकालेंगे तो पहले इसका 2 गुना करेंगे, फिर इसको आपको आधा करना है, तो 2.5 गुना हो जाएगा, आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 गुना 48 आए, और आपका आधा किया तो 12 आया, तो 48 और 12 करिए कितना आ जाएगा 8 2 10 0 4 5 6 60। मतलब ये इसका इसका पिता जो है 2.5 गुना है। ठीक है, ये कितना है 2.5 गुना है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए जिन लोगों का 2.5 गुना नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा मैं क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है, आपको बहुत बार पूछे हुए ये क्वेश्चन हैं, आपके एज वाले क्वेश्चन आपके बहुत ही आते हैं, ज़्यादातर रेलवे में तो आपको बहुत ही देखने मिलेंगे, एसएससी में भी आपके बहुत ही ये देखने को मिलते हैं। देखिए अभी मैंने क्या बताया था 2.5 गुना, आप 24 का 2.5 गुना कैसे निकालिए, पहले इसको सही कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा 2.5 गुना 2 सही 1/2 का करिए, 2 2 4 एक जोड़ेंगे ऊपर 5 5/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2.5 गुना, तो 24 का 2.5 गुना करिए, क्या 60 आ रहा, 24 का 2.5 गुना 5/2 करिए तो कितना आ जाएगा 2 2 2 2 2 4 12 12 × 5 12 5 60, मतलब 60 आ रहा, तो मतलब ये का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको अब कोई भी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराया, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसको सेकेंडों में ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। आइए आपका RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपके सब रेलवे में ज़्यादातर पूछे हुए क्वेश्चन थे, ये आपका RRB ग्रुप डी 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट से बताना चाहें कॉन्सेप्ट से बता दें, आपको ट्रिक से जानना है ट्रिक से भी बता सकते हैं। देखिए वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर 3/4 प्राप्त होता है, वो हमें भिन्न नहीं पता है वो कौन से भिन्न है जिसको हम घटाएंगे तो एक 3/4 प्राप्त हो। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपका वो ऑप्शन नंबर ए है,
एक बटा तीन है, तो एक बटा तीन में से हम एक बटा दो में से अगर एक बटा तीन घटाएंगे तो आपका तीन बटा चार प्राप्त होगा। घटा के देख लीजिए, मान लेते हैं हम एक बटा तीन है, तो एक बटा दो में से एक बटा तीन घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ये माइनस दो हो जाएगा, ये आपका छः हो जाएगा, तो ये आपका एक बटा छः आ रहा। तो क्या बोला है हमें प्राप्त होता है, तीन बटा चार, तो तीन बटा चार नहीं प्राप्त हो रहा। ठीक है, अब आप ऑप्शन बी ले सकते हैं। ऑप्शन बी क्या बोला हुआ अभी ने, जिसे एक बटा दो में से घटाने पर, तो एक बटा दो में से ठीक है घटाने पर माइनस एक बटा चार घटाने पर अगर आपका तीन बटा चार आ जाता है तो आपका ये भी ऑप्शन सही है, नहीं तो ये भी गलत है। देखिए ये आपका हो जाएगा एक बटा दो, ये माइनस से हटेगा तो ये गुणा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एक बटा चार। ठीक है, आप इसको हर बराबर कर लीजिए, आप नीचे भी दो से गुणा कर दीजिए, ठीक है, और आप ऊपर से भी दो से गुणा कर दीजिए, आपका हर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दो प्लस वन, और नीचे कितना आपका आ जाएगा कॉमन में चार आ जाएगा लासा, तो ऊपर हो जाएगा ये तीन बटा चार, तो बराबर मतलब तीन बटा चार, मतलब ये आपका जो है तीन बटा चार आ रहा है, मतलब जो है ये संख्या आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो आपके ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो आपके क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कंसेप्ट से समझना, आपको मैं कंसेप्ट से भी बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट क्या है इसका। देखिए, अगर हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है तो आप मान सकते हैं, अगर आप कंसेप्ट से सीखना चाहें तो आप कंसेप्ट से भी नोट्स कर सकते हैं। मान लीजिए वो संख्या एक्स है, ठीक है, तो वो संख्या एक्स है तो एक बटा दो में से वो संख्या घटाने पर कितना प्राप्त हो आपका, तीन बटा चार प्राप्त हो, तीन बटा चार प्राप्त हो। ठीक है, आपका तीन बटा जो है चार प्राप्त हो, वो संख्या नहीं पता। तो अगर आप x को इधर ले जाएंगे, आप x को एक बटा दो को इधर रखिएगा और आपको x उधर ले जाइएगा, तो एक बटा दो माइनस तीन बटा चार, ठीक है, ये आपका इधर कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा x हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, मान अब अगर आप इसको हल करिए, इसका हर बराबर करिए, आप इसमें दो से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे दो से गुणा करेंगे इसका हर बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू माइनस थ्री, नीचे कितना आ जाएगा आपका चार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपान चार बराबर एक्स। ठीक है, तो वह संख्या आपका माइनस वन अपान फोर है। आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं जो बताता हूँ आप ध्यान से प्लीज सुना करिए, आपके लिए ही फायदा होगा, अगर आपने नहीं सुनते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। अगर आप हमारे पिछला वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए कैसे है, 105 का 2 बटा 5 48 के 3 बटा 4 से कितना अधिक है, कुछ दिखा इसमें, आप कुछ लोगों को पता नहीं क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए क्या दिखा इसमें, अधिक, क्या दिखा अधिक, और मैंने क्या बोला था, जहाँ भी आपको कम दिखे, अधिक दिखे, देरी दिखे, पहले दिखे, जीत हार दिखे, ठीक है, पास फेल दिखे, वहाँ पर हमेशा आपको डिफरेंट होता है संख्याओं में। अब इसमें लोगों को नहीं पता रहता क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यही करना है 105 का मतलब गुणा 2 बटा 5, ठीक है, माइनस 48 गुणे 3 बटा 4, ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अधिक बोला है तो दो संख्याओं के बीच अधिक जो है डिफरेंट को बताता है। आप काटिए, 5 दूनी 10, 5 एक एक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 2, ये हो जाएगा आप 4 से काटिए, 4 एक 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 12 गुणे 3, ठीक है, ये आप अगर इसको गुणा करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 42 माइनस 12 तीन 36 हो जाएगा। आप इसको माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए 6 बचेगा, यहाँ पर आपको कितना होता है, 3 3 में से 3 गए 0, मतलब आपका 6 आंसर आ गया, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 6। आप इस चीज़ को प्लीज नोट कर लीजिएगा, जहाँ भी दिखे कम अधिक देरी पहले जीत हार पास फेल, ठीक है, वहाँ हमेशा आपको दो संख्याओं के बीच डिफरेंट ही दर्शाता है। चलिए आज के हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, और जिन लोगों ने अगर हमारा नहीं देखा हो पार्ट नंबर आपका जो है 42, तो वो लोग देख लीजिएगा, उसका आंसर इसमें मिल जाएगा, आपका पार्ट जो है 42 में इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए थे प्रीवियस पेपर के, तो आप प्लीज़ चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। और आप हम बताना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले आप हमारे मैथ साइंस और रीजनिंग के जितने भी आपके वीडियो हैं सारे देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने जितने भी आपके रीजनिंग हो चाहे साइंस हो या मैथ हो, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपके सारे ही आपके प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं, और हम उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर
आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।